अलीशान फैमिली ढाबा फेमस है अपने लजीज पकवान और वैरायटी ऑफ फूड के लिए, जैसे स्पेशल मटन हंडी, पेशावरी ग्रेवी, वाइट कस्तूरी, ज़ाफ़रान कबाब, अजवाइन कबाब और जामुनी कबाब के साथ स्पेशल अलीशान खब्सा, फैमिली रूम दस्तरखान, इवेंट एंड फंक्शन एंड बर्थडे सेलिब्रेशन विथ नाइस एम्बियंस, फ्री होम डिलीवरी, इजी कनेक्टिविटी के साथ बाईपास कालशेखर के सामने, अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइड स्पेस ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। स्वाद का किंग अलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मुमरा के शंकर मंदिर के पास में ये तालाब है और इस तालाब को लेकर काफ़ी वाद विवाद जो पिछले 2-3 सालों से शुरू है, क्योंकि जब भी छठ पूजा आता है तो यहाँ पर वाद विवाद जो है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से शुरू हो जाता है। ऐसे में आज शंकर मंदिर और इस तालाब पर जो है श्रीकांत शिंदे जो खासदार हैं वो विज़िट किए थे और तालाब का निरीक्षण किया, उसके बाद मंदिर में गए, दर्शन किए। बाहर निकलने के बाद तालाब पर यहाँ पर देखेंगे आप कि श्रीकांत शिंदे ने नारियल फोड़ा, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तालाब को लेकर जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है दरअसल इसके सुंदरीकरण को करने को लेकर हो रहा है। ऐसे में खासदार ने बताया है कि करोड़ों रुपये की जो है निधि से इस तालाब का सुंदरीकरण जल्द ही जाएगा। इसके अलावा बाहर की तरफ जो है नाना नानी पार्क यानी कि गार्डन भी बनाया जाएगा और मंदिर का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। नारियल फोड़ा गया यहाँ पर जो है आज खासदार श्रीकांत शिंदे के हाथों से। इस मौके पर मुमरा शहर के जो पूर्व नगर सेवक हैं राजन कीने, जो अब शिंदे गुट में शामिल हैं, रिदा रशीद और अन्य तमाम कार्यकर्ता खासदार श्रीकांत शिंदे के साथ में मौजूद रहे। तालाब के सुंदरीकरण को लेकर खासदार श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत में कहा है आपको सुनाते हैं। तालाब का मुद्दा कई सालों से चल रहा है, यहाँ पर विवाद भी हुआ तालाब को लेकर, सुंदरीकरण करने को लेकर। अभी आपके तरफ से विजिट हुआ यहाँ पर, क्या इसका प्रस्ताव सुंदरीकरण? हमारे यहाँ के नगर सेवक राजन किनी जी के माध्यम से यहाँ पर हमेशा फॉलोअप था कि ये मुमरेश्वर महादेव मंदिर के जो कॉम्प्लेक्स में तालाब जो है उसका सुशोभीकरण होना चाहिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का निधि देने का काम यहाँ पर किया है और उसका काम जो है अभी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक तालाब को भी एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि यहाँ पर है तो वो जतन करने का काम जो है ये तालाब के सुशोभीकरण के माध्यम से यहाँ पर होगा और अच्छा डेवलपमेंट जो है यहाँ पर हम लोग करेंगे और आने वाले समय में गार्डन का भी है मंदिर और गार्डन मंदिर का जो गार्डन है उसके लिए भी 1 करोड़ का निधि यहाँ पर दिया है और आने वाले समय में ये जो ऐतिहासिक मंदिर है 350 साल का इसको इतिहास है उसको अभी जीर्णोद्धार करने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे।